क्वेश्चन आप लोगों के सामने वही मिनिमाइज करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज मिनिमाइज करनी है। अब मुझे बताओ डिमांड और सप्लाई टोटल बराबर है क्या? नहीं, तो सब डिमांड कम है ना, तो यहां पे 40 कम पड़ रही है यहां पे, इसके लिए क्या बना देंगे, एक डमी कॉलम। डमी कॉलम की हमेशा वैल्यू क्या होती है, जीरो। डमी कॉलम की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। आई बात समझ में सबके? तो अब वही सारे स्टेप्स जो हर बार आप करते हो इतने टाइम से, हर एक रो में सबसे छोटी दो वैल्यू, अब तो देखो 0 और 60, ऑब्वियसली 60, 0 एंड 60, 60। फिर 0 एंड 50, 50। कॉलम वाइज 60 70 एंड 80, 10। 50 एंड 60, 10। 60 60 0, 60 60 0 एंड 0। ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंस क्या है, 60 60 दो बार है, कोई भी 60 पिक कर लीजिए, मैं इस 60 को पिक कर रहा हूं। इस 60 मतलब ये वाली रॉ पे, कोई इस रॉ में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो पे डिमांड कितनी है, 40, सप्लाई कितनी है, 80। तो कम क्या है, 40। एक कम वाली साइड कट गई और यहां हो गया -40 इज इक्वल टू 40। आया क्या सबके समझ में? अब तो क्या रोज एक एक चीज चल रही है, अब तो अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलो वापस से 60 एंड 60, 0। फिर 60 एंड 70, 10। फिर 50 और 60, 10। फिर 10 10 0 एंड 0। तो हाईएस्ट डिफरेंस 10 से, सब तरफ 10 से कोई भी पिक कर सकते हो, मैं ये वाला 10 पिक कर रहा हूं। ओके, तो इसके अंदर इस यल रॉ पे कोई, इसके अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 60। इस 60 पे डिमांड है 60, सप्लाई है 100। तो कम क्या है, ऑब्वियसली 60 कम है, ये कट गया आपके। ठीक हर क्वेश्चन सेम है, हर क्वेश्चन कहीं भी कोई अलग है ही नहीं। ठीक है, बस के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, टाइम पास कर रहे हैं, ये बात कह सकते हो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 60 60 वापस 0, 70 एंड 80, 10। फिर 50 और 60, 10। फिर वही वापस से 70 80, 10 10 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा पिक करा है, सेकंड वाला, मतलब मैं 10 वाला देखो, कोई भी 10 पिक कर सकते हैं, मैंने एक्चुअली सॉल्व किया तो वो देख के वापस करा रहा हूँ, बाकी आप कोई भी पिक करोगे आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, मैं इस तरह से पिक कर रहा हूँ ताकि प्लस का साइन आए, हो सकता है कि आप इधर उधर को 10 पिक करोगे प्लस का साइन ही नहीं आए, मैं चाहता हूँ एक बार प्लस का साइन आए ताकि वो प्लस वाली चीज आपकी रिवाइज होती रहे। ठीक है, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 50। 50 पे डिमांड है 40, सप्लाई है 50। तो कम क्या है, ऑब्वियसली 40। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। ठीक है,
चलिए जी, आगे वही सेम प्रोसेस 60 एंड 70, 10, फिर 70 एंड 80, 10, फिर 60 एंड 80, 20, आगे कॉलम वाइज वही 10 एंड 0। तो ऑब्वियसली सबसे कम क्या है, सो हाईएस्ट डिफरेंट 20, 20 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 60, 60 पे 40 एंड 10, कम क्या है, ऑब्वियसली 10 कम है, तो ये गया इधर 40 माइनस 10 30। अगेन रिपीट द होल प्रोसेस, ठीक है, 60 एंड 70, 10, 60 एंड 70 एंड 80, 10, फिर 70 एंड 80, 10, 60 एंड 70, 10। आप कोई भी डिफरेंस पिक कर सकते हो, आपकी इच्छा जिसको पिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो पहले मैंने ये वाला पिक करा हुआ, तो ये वाला पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या, 60, 60 पर 30 एंड 40, कम क्या है, ऑब्वियसली 30 कम है, ये 30 गया, तो यहाँ पे 80 माइनस 40, 40 बचा था, 40 माइनस 30, 10 बचा, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंगल सिंगल वैल्यूज बची, तो सिंगल वैल्यूज देखो, इसमें कितना देना था 10, इस पे कितना देना है 40। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या, अब तक इस स्टेप में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या, वही ए बी सी डी डमी ओ वन ओ टू ओ थ्री वैल्यूज है 70, 60, 70, 60, 60, 60, 80, 80, 60, 70, लास्ट में 80, 50, 80, 60। अब वैल्यूज कैसे आई है वो देख लेते हैं भाई, 70 पे 10, 60 पे 30 और 0 पे 40। टेन, थर्टी एंड 40, फिर 80 पे 40 और 60 पे 60। नंबर ऑफ एलोकेशन काउंट कर लो,
सी प्लस आर माइनस वन, कॉलम कितना है पांच, रॉ कितनी है तीन, माइनस पांच तीन आठ माइनस एक सात, ठीक है। तो सात है क्या, चेक कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और सात है, दो साइड क्या बनाने हैं डी आई और डी जे। फर्स्ट बॉक्स में जीरो, तो देखो सेवेंटी माइनस जीरो तो आंसर दे दूंगा डी जे में सेवेंटी, एट्टी माइनस जीरो फिर जीरो माइनस सेवेंटी, सिक्सटी माइनस सेवेंटी, ये 60 यहाँ पर लोकेशन है, अलोकेशन वाले बॉक्स को पिक करते जाना अपने को, तो फिर यहाँ पर लोकेशन है तो 60 माइनस 70, फिर और का यहाँ पर लोकेशन है तो 60 माइनस, अब यहाँ देखना 60 माइनस माइनस के 10 तो माइनस माइनस प्लस 70, मेक श्योर कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना कर दो, ठीक है। फिर 50 माइनस 70 50 माइनस 70 माइनस की 20, अब क्या करना है 50 माइनस 70 माइनस की 20, तो देखो इसमें आपको समझाया था जो भाई सिंपल सी बात है, जो अलोकेशन वाले बॉक्स में उसमें तो जीरो लिख दो फटाफट से टू मेक इट शॉर्ट, आप सॉल्व करोगे तब भी जीरो ही आने वाला है। तो बाकी सब के लिए देखो, इस 60 वाले के लिए डी आई कितना है, डी आई कितना है माइनस का 20 प्लस डी जे कितना है 70, तो माइनस का 20 प्लस 70 कितने हुए 50, 50 माइनस 60 माइनस का 10, माइनस का 10 मीन्स यहाँ पे क्या आया माइनस, ओके। फिर यहाँ पे 60 तो 10 माइनस के 10 प्लस के 70, डी आई प्लस डी जे करना है माइनस के 10 प्लस के 70, 60 60 माइनस बॉक्स की वैल्यू 60 तो आंसर क्या आएगा जीरो। फिर यहाँ देखो डी आई 20 माइनस के 20 प्लस के 70, 50 50 माइनस बॉक्स की वैल्यू 80 तो माइनस के 30, 70 के लिए देखो माइनस के 10 प्लस के 70 60, 60 माइनस 70 माइनस के 10, फिर जीरो के लिए माइनस के 70 प्लस के 70 जीरो, जीरो माइनस जीरो कितना आएगा सेम हियर 7 माइनस के 70 प्लस के 70 जीरो माइनस जीरो, फिर माइनस के 10 प्लस के 70 60, 60 माइनस 80 माइनस माइनस के सॉरी ये बाकी रहा जीरो प्लस 70 70 70 माइनस 80 जीरो माइनस सारे नेगेटिव आ गए, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया था सॉरी शिट मैंने ये गलत लिख दिया 80 ये आ जाएगा माइनस के 20 ज्यादा इतना मेजर इशू नहीं है, माइनस का जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 80 माइनस के 70 प्लस के 80 10 10 माइनस 0 तो माइनस का 70 प्लस का 80 माइनस 0 तो 10 बचेगा ना, प्लस का यहाँ प्लस का आ गया, अगर प्लस का साइन आ जाता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले बॉक्स में से एक लाइन पास करनी है,
जो केवल अलोकेशन में टर्न होगी। तो देखो मैंने लाइन पास की, वो लाइन यहाँ पर आके रुकी, यहाँ पे उसके दो रास्ते हैं, दोनों साइड जा सकती, पर दोनों साइड अलोकेशन नहीं है, तो अब वो घूम नहीं पाएगी, घूम नहीं पाएगी, दैट्स वाई हम उसको और आगे लेके आए। यहाँ अलोकेशन घूम गई, ऊपर चली गई, ऊपर भी अलोकेशन घूम गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ भी अलोकेशन घूम के वापस अपने बॉक्स में आ गई। कुल मिलाकर ये इस तरह से स्क्वायर ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जहां से अब आपने स्टार्ट किया होगा वहां पे प्लस, अगले टर्न पे माइनस, फिर अगले टर्न पे प्लस और अगले टर्न पे माइनस। तो देखो माइनस के दो बॉक्स आए आपके पास में, अब माइनस के दो बॉक्स हैं, माइनस के 40 और माइनस के 40। तो अब जो कम होगा इन दोनों माइनस माइनस के 40 40 है, तो दोनों एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो सब जगह क्या लिख देंगे, बस आपको न्यू टेबल बनानी है, ओके हो जाएगा। अब ये मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, एक बार आगे इसको टेबल बनाने की ट्राई करना, अगर हो पाए तो अच्छी आती, तो मैं कल सबमिट कर दूंगा उसको फिर, ठीक है। चलिए गुड बाय निधि, कल से ऑफलाइन ही है।